हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपना जो पासवर्ड है उसको रिकवर कर सकते हैं। या हमारे पास बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम, हम लोग के पास सिर्फ रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ था जब हमने DLT के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वीडियो कॉन पे, उसके बाद हमारे पास कोई ईमेल नहीं आया है वीडियो कॉन की तरफ से, लाइक रिजेक्शन या अप्रूवल, ऐसा कोई ईमेल आपके पास अगर नहीं आया है और आपको नहीं पता है कि आपका जो DLT रजिस्ट्रेशन हुआ था या जो आपने किया था उसका क्या स्टेटस है, तो आपको सिंपली एक छोटा सा स्टेप करना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो अप्रूव हुआ है वीडियो कॉल पर या फिर रिजेक्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आप जाएंगे और स्मार्ट पिंग जो URL है उस पर जाकर लॉगिन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक लॉगिन का आपको बटन दिखाई देगा, लॉगिन साइनअप का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पेज, वहाँ पर एज एंटिटी पे आपने क्लिक किया एंड देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो है लॉगिन पेज दिखाई देगा। आपको लॉगिन नहीं पता है, आपको अपना आईडी मतलब योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज योर आईडी फॉर द लॉगिन, जब आपको यहाँ पर पुट करना होता है, और पासवर्ड जो आपको यहाँ पुट करना होता है। अब आपके पास पासवर्ड नहीं है, आया नहीं है, मिला नहीं है, या रिकवर नहीं हुआ है, या आपको आपसे मिस हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पर, उस पर जाकर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एंटर ईमेल ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ जाकर आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने एट अ टाइम ऑफ DLT रजिस्ट्रेशन यूज़ किया था एज अ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, वो आपको यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपको एक नोटिस या एक पॉपअप दिखाई देगा। उस पॉपअप में ये आएगा कि अगर बाई चांस आपने रजिस्ट्रेशन किया है DLT में वीडियो कॉल पे, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो अगर रिजेक्ट हो गया है, तो वो यहाँ पर देगा कि दिस ईमेल आईडी इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद अस। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आप रजिस्टर हो चुके हैं वीडियो कॉल पे, तो यहाँ पर दिखाई देगा कि योर टेम्प्रेरी पासवर्ड इज़ सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इसका मतलब है कि आपका जो DLT रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव्ड हो चुका है और आपके पास एक टेम्प्रेरी आईडी जो है वो आपके ईमेल पर आपको मिलेगा। आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाएंगे, वहाँ से उस टेम्प्रेरी पासवर्ड को लेकर और सेम वापस आपको आना है लॉगिन के इस पर, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको डालना है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पर वो जो टेम्प्रेरी आपको मिला है पासवर्ड वो डालेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे, तो आप अपने पैनल पर लॉगिन हो जाएंगे वेरी सक्सेसफुली। तो दिस इज़ द वे आप ये देख सकते हैं कि आपका जो DLT रजिस्ट्रेशन स्टेटस है ऑन वीडियो कॉल ऑन स्मार्ट पिंग वो क्या है। जो जैसा कि आप लोगों की कई लोगों की शिकायत होती है कि मैम, हमको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन डन हुआ है या नहीं हुआ है। प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ Email us on help@msgclub.co.in. Thank you so much.